हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुजुर्ग वाहन चालक ने लेडी कांस्टेबल के गिरेबां पर डाला हाथ, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर रोका था। जोधपुर शहर के पावटा सर्कल पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक बुजुर्ग वाहन चालक को रोकने पर वो यातायात पुलिस कर्मियों से उलझ गया। उसने एक महिला कांस्टेबल के गिरेबां पर हाथ डाल दिया। बाद में माफी मांगने पर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटकर छोड़ दिया गया। दरअसल आज दोपहर में एक एक्टिवा पर तीन सवारी मंडोर रोड से पावटा की तरफ आ रही थी। पावटा सर्कल पर यातायात पुलिस को देखकर कुछ दूरी पहले एक सवारी नीचे उतर जाती है, लेकिन यातायात पुलिस ने उन्हें पकड़ लेती है। वाहन चालक उम्रदराज था, लेकिन हेलमेट व फेस मास्क के कारण उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हो पाया। यातायात पुलिसकर्मी सड़क के बीच में आकर उन्हें रोक लेते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने की कार्रवाई करते हैं। इस पर वाहन चालक की एक महिला कांस्टेबल से झड़प हो जाती है। महिला कांस्टेबल इस वाहन चालक को पकड़ लेती है। जवाब में वाहन चालक भी उसके गिरेबां पर हाथ डाल देता है। बीच बचाव कर उन्हें अलग किया जाता है। जब वाहन चालक अपना हेलमेट व फेस मास्क उतारते हैं, तब उनकी उम्र का पता चलता है। ऐसे में यातायात पुलिस कर्मियों के तेवर थोड़े नरम हो जाते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के आने पर वो मामला शांत करवाते हैं। बुजुर्ग वाहन चालक द्वारा बीमारी व उम्र का हवाला दिए जाने पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और उनके वाहन का चालान काट कर जाने दिया जाता है। एक्चुअली मंडोर की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक था, उसको यातायात जो स्टाफ है हमारा नियमित रूप से चेक करता है, रोकते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसी दौरान आज एक कोई स्कूटी पर सवार, जिसपे तीन सवारियां थी, हमारे यातायात कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उसमें से एक सवारी तो पहले उतर गई, दो बैठी हुई थी। रोकने का प्रयास किया तो जो चालक था उसने वाहन को नहीं रोका, इस पर उसको रोका गया। रोकते ही वो चूँकि उम्र दराज थे, वृद्ध थे, और वे यातायात कर्मियों से ही उलझ पड़े। यातायात पर थोड़ी यहाँ रोड पर भीड़ सी हो गई, तो मौके पर हमारे जो यातायात कर्मचारी थे उन्होंने यातायात को व्यवस्थित किया। तभी मैं भी पहुँच गया, उनसे बातचीत की और उनके व्यवहार को लेकर जो शिकायत थी, उन्होंने इस बात की माफ़ी मांगी कि मैं बीमार हूँ और मेरे से हड़बड़ाहट में ये सब कुछ हो गया। तो यातायात संबंधी जो उनकी जो उन्होंने भूल की, उसका मैं चालान बनाया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।